भाजपा नेता कहा, सर्दी के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 10,000 गरीबों को कंबल बांटने का काम जारी। भिंड भाजपा किसान मोर्चा समिति के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य लायक सिंह कुशवाहा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हार कपाती सर्दी को देखते हुए 10,000 गरीबों को कंबल बांटने का लक्ष्य रखा, जो ग्वालियर और दतिया से प्रारंभ किया गया और भिंड जिले में आज भी जारी है। इसके तहत लायक सिंह कुशवाहा ने अपने पैतृक गांव जमुहा में शिविर लगाकर करीब 60 गांव के सैकड़ों लोगों को कंबल बांटे। इससे पूर्व भी कोरोना काल और भिंड में आई बाढ़ आपदा में लगातार गरीबों को राशन पानी देने का कार्य 2008 से करते चले आ रही है। भाजपा नेता लायक सिंह कुशवाहा से जब पूछा गया कि गरीबों की मदद क्या लाहार विधानसभा से चुनाव की तैयारी को लेकर की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि इससे चुनाव का कोई ताल्लुक नहीं है। वो लाहार के अलावा दतिया के सेवड़ा, भिंड, महगांव और कुछ उत्तर प्रदेश के गांव में जरूरतमंदों की मदद करते चले आ रहे हैं। हाँ, यदि भारतीय जनता पार्टी उन्हें चुनाव लड़ने के लिए निर्देशित करती है तो वो इसके लिए तैयार हैं। लायक सिंह कुशवाहा ने गृहग्राम जमुहा में शिविर लगाकर सैकड़ों जरूरतमंदों को हार कपाती सर्दी में कंबल वितरित करते हुए कहा कि जो लोग सक्षम हैं उन्हें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। वैसे तो ये समाज सेवा कार्य मैं 2008 से प्रारंभ है मेरा, जैसी स्थिति बनती हो, जैसा मौका होता है, उस हिसाब से हम करते रहते हैं और ये सब आप लोगों के चरणों के आशीर्वाद से होता रहता है। और अच्छे काम करने के लिए हम तो करते ही, हम तो निवेदन भी करेंगे सब लोगों से, यदि इस संसार में मानव जीवन में कोई व्यक्ति आया है तो उसको निश्चित रूप से मानव की सेवा करना चाहिए। वो शरीर से भी हो सकती है, मन से भी हो सकती है, और अगर ईश्वर ने कुछ धन दिया तो धन से भी करना चाहिए। और ये कम्बल जो अभी बांटे हैं वो महाराज मेरे हृदय सम्राट ज्योतिराज सिंधिया जी के श्री चरणों के आशीर्वाद से, उनकी आज जो जन्मदिन था, 51 जन्मदिन था, उसके उपलक्ष्य में उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए और असर्व जाति के अति कमजोर वर्ग के लिए ये कम्बल, मैंने 10,000 कम्बलों का एक लक्ष्य बनाया था जिसमें अभी तक की डेट में 8,000 कम्बल बढ़ चुके हैं और 2,000 कम्बल और भी बटने वाले हैं।